से लौटे जत्थे पर फूल माला वर्षा का स्वागत किया गया। 350 तीर्थयात्रियों के जत्थे का पुष्प वर्षा कर स्वागत सत्कार किया। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन परिसर पर इंदौर अमृतसर एक्सप्रेस के पहुंचते ही जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारों के साथ स्टेशन परिसर गूंज उठा और आगरा की संगतों ने गुरु रूप प्यारी के दर्शन का लाभ उठाया। साप्ताहिक धार्मिक तीर्थ यात्रा का जत्था बाबा संतोष सिंह मखीजा के नेतृत्व में इंदौर से श्री दरबार साहिब, अमृतसर, श्री फतेहगढ़ साहिब, श्री आनंदपुर साहिब, श्री सुल्तानपुर लोधी, श्री तरन ताल साहिब, वीर बाबा बुड्ढा साहब जी तीनों धामों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सेवा में गुरुद्वारा दशमेव दरबार के चेयरमैन हरजीत इंदर सिंह बादवा, वीर हरिजंदर सिंह, पंडित विकास महागुरु, गुरु सेवक श्याम भोजवानी आदि लोग उपस्थित रहे। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। का भटकाव से बचाने का हमारा उद्देश्य ये है, हर संगत, हर बंदा गुरु से जुड़े, परमात्मा जुड़े, उसके नाम से जुड़े, सेवा से जुड़े, क्योंकि मानव की जो जात है वो सेवा के सिमरन से चलती है। जहाँ सेवा है सिमरन है वहाँ मानव है, जहाँ सेवा समझ नहीं है, परोपकार नहीं है, वहाँ पे जीवन मानव का नहीं, बल स्वरूप मानव का हो सकता है लेकिन वो जाति मानव की नहीं होती है। बोलो जी भाई, क्या नाम है आपका? मैं हरजिंदर सिंह, जो इंदौर से गाड़ी चल के दरबार साहब श्री अमृतसर पहुँचेगी, जिसमें हजारों संगत जो है दर्शन करने के लिए दरबार साहब, आनंदपुर साहब और बहुत सारे गुरुद्वारे यात्रा के लिए निकले हैं। तो आगरे में जो है भोजवानी परिवार और बहुत सारी संगत ने उनके स्वागत के लिए लंगर पानी का इंतजाम किया है। गुरु महाराज उनकी यात्रा सफल करे और इसी तरह हम ही सबको सेवा का मौका मिलता रहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु। इंदौर से चलकर अमृतसर को 350 तीर्थयात्रियों का जत्था जो आगरा की धरती से रवाना हो रहा है, उसके लिए आगरा की संगत का सौभाग्य कि हमें गुरु प्यारी संगत के दर्शन करने को मिले और हो हुआ कि हम लोगों ने चरण छू के, संगत में कहते हैं ना भगवान होता है, संगत के दर्शन करके हम सब लोग निहाल हुए हैं। और संगत का जो तीर्थयात्रियों का जत्थे का मकसद ही है देश में अमन शांति कायम रहे और गुरु महाराज के आगे ये साप्ताहिक जो तीर्थ यात्रा है आनंदपुर साहब की, तरन तारण साहब और अपना जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं तीनों तख्त घूमते हुए फिर एक सप्ताह के बाद इसी तरीके से यात्रा इंदौर रवाना होगी, फिर हम गुरु महाराज की कृपा से उनके दर्शन करेंगे। 350 लोगों का तीर्थयात्रियों का जत्था है जो हमको सौभाग्य मिला उनके दर्शन के लिए यहाँ कैंट स्टेशन पे पुष्प वर्षा करते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं।